हेलो गाइस, दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो गाइस, आज हम टॉपिक करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जरूरी नहीं है हम एग्जाम्स के लिए इस टॉपिक को तैयार करें, ठीक है। बट ये एज अ एक सिटीजन इंडिया का हमें जब हम है एक सिटीजन इंडिया के, तब उस तौर पे भी हमें इस चीज का जो है वो पता होना चाहिए एक नागरिक के रूप में, ठीक है। जस्ट ये एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन नहीं है, ये एक नागरिक के रूप में भी हम सबको नॉलेज होनी चाहिए। और तो आज का टॉपिक है हमारा प्रिम्बल। प्रिम्बल यानी प्रस्तावना, यानी हमारे जो संविधान में प्रस्तावना है वो है क्या चीज। तो ये जो प्रस्तावना है ये हम सब जो है वो, जैसे अगर अपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होंगी, हम एनसीईआरटी पढ़ते आए हैं, तो हमारी जो बुक का पेज होता था शुरुआत में, वहां पर जो है इंडिया का प्रिम्बल का एक पेज जो है वो पहला पेज वहां पर जो है वो लिखा गया होता था, ठीक है। जिसमें से लिखा होता था कि हम भारत के लोग या हम भारत के निवासी, भारत के वासी जो है वो इस संविधान को जो है वो आत्म अंगीकृत करने के लिए जो है वो इस तरह से तैयार है, इस तरह से कुछ जो है वो वर्डिंग लिखी होती थी। मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये प्रिम्बल का जो एक पेज था वो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती उसमें शुरुआत में होता था। तो अब हम समझेंगे कि प्रिम्बल एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। जैसे अभी प्रस्तावना कहते हैं इसे, ठीक है, प्रिम्बल यानी प्रस्तावना। तो प्रिम्बल जो है, जैसे मान लीजिए, मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम सबकी जो है वो एक बुक है, कोई भी, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक में है, मान लीजिए उसमें 505 पेज है, ठीक है, ये पूरी एक बुक है। तो आपने देखा कि बुक में शुरुआत में जो है एक प्रकार से ना समरी सी लिखी होती है बुक की, जिसमें लिखा होता है पूरा एनसीईआरटी की बुक में आगे जो है वो क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट में लिखा होता है बिल्कुल हर चैप्टर के बारे में, थोड़ा थोड़ा कि इतने चैप्टर होंगे और इस चैप्टर में इस बारे में जानकारी दी होगी, इस बारे में जानकारी दी होगी। तो हम जो है वो जो पहला पेज है उसमें प्रस्तावना करके ही पहला पेज लिखा होता है वहां पर, तो उसको पढ़ के ही जो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि आगे पूरी बुक में जो है वो क्या जो है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। यानी आपने पूरी बुक नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी आपको पूरी बुक के बारे में पता चल गया कि इस वाली बुक में ये सब जो है वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए भूगोल की 6th क्लास की बुक है, तो आप उसकी प्रस्तावना लिखी होगी बुक में, उसको पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा कि आपको सौरमंडल के बारे में जो है वो जानकारी दी जाएगी, ठीक है। उस तरह से जो पृथ्वी की कौन कौन सी परतें हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो सारा शॉर्ट में लिखा होता है कि आगे फर्दर बुक में है क्या, तो वो प्रस्तावना है, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारा प्रिम्बल है वो भी, हमारा प्रिम्बल भी जो है बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, हमारा संविधान का जो एक लिखित रूप है, जो एक दस्तावेज है, ठीक है, उस दस्तावेज में आगे देखो, अभी जो दस्तावेज तैयार किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सारी जानकारी लिखी होगी संविधान के बारे में, कौन से आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल के अंदर क्या आता है, सब कुछ आगे डिटेल में लिखा होगा। लेकिन उस डिटेल से पहले जो है वो, जैसे मैंने अभी बताया, बुक की तरह ही जो है वो एक पेज जो है वो तैयार किया गया है। एक पेज नहीं, मतलब दो तीन पेज में प्रिम्बल आ सकता है, कितने पेज में आ सकता है, पर मैं कह रही हूँ वो जो डिटेल सारे आर्टिकल्स की आगे दी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, डिटेल में लिखा है कि ये सब हमारे संविधान में है, उससे पहले जो है वो इस तरह से एक प्रस्तावना दी है। जैसे मैंने आपको बुक में बोला कि बुक में एक प्रस्तावना शॉर्ट में दी है, ठीक है, तो वैसे ही एक प्रस्तावना दी है, उसमें लिखा गया है कि आगे जो पूरा संविधान है, संविधान के क्या उद्देश्य है, क्या उसके सिद्धांत है, पूरे संविधान में क्या लिखा गया, उसको शॉर्ट में लिखा गया होता है, ठीक है, उसको शॉर्ट में लिखा गया। एक प्रकार से हम जो प्रिम्बल है उसको संविधान का सार भी कह सकते हैं, ठीक है, उसे आप संविधान का सार भी कह सकते हो, या संविधान का जो है उसको आप परिचय भी कह सकते हो, सार यानी समरी भी कह सकते हो। समरी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसके एक शॉर्ट में लिख देना उसके बारे में जो कुछ भी अपने लिखा है, तो वैसे ही एक सार है या परिचय है, मतलब संविधान का परिचय देता है जो प्रिम्बल है, प्रस्तावना है कि संविधान में ये सब है, संविधान के सिद्धांत है, ये उद्देश्य है। तो उसको अगर कोई व्यक्ति पूरा संविधान डिटेल में ना पढ़े और सिर्फ प्रिम्बल पढ़ ले, तभी उसे पता चल जाएगा कि हमारे संविधान में जो है वो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। डिटेल में तो नहीं उसे पता चलेगा, वो तो पढ़ने में पता चलेगा, तो वैसे प्रिम्बल पढ़ने से हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, क्या पढ़ाया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है, वो जो है वो प्रस्तावना पढ़ने से ही जो है वो समझ में आ जाता है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि मूवीज बन रही है आजकल, है ना,
तो मूवी इसमें क्या है, मूवी का ट्रेलर तो देखा ही होगा ना आपने, है ना। हर मूवी जो है रिलीज होने से पहले उसका ट्रेलर रिलीज किया जाता है। तो ट्रेलर में क्या दिखाया जाता है, शॉर्ट दिखाया जाता है ना पूरी मूवी का, एक सार ही तो दिखाया जाता है ना। कोई भी ट्रेलर देखो तो पूरी मूवी में, उस ट्रेलर में पूरी मूवी का एक सार दिखाते हैं ओवरऑल कुछ चीजें की, ये वाली चीजें हैं, तो वैसे ही मूवी समझ में आ जाती है कि अच्छा इस वाली मूवी में ये सब होगा, ठीक है। बाकी डिटेल में हर एक सीन वो तो आप मूवी में जब जाओगे थिएटर में देखना तभी देख पाओगे, बट आपको पता लग जाता है कि इस मूवी में है क्या। जैसे मान लीजिए टॉयलेट मूवी का है ना अक्षय कुमार की, तो उसका आप ट्रेलर देखोगे आपको पता लग जाएगा कि ये एक मतलब कि ऐसी जो टॉयलेट की समस्याएं हैं भारत में आती हैं उस चीज को लेकर एक कहानी बनाई गई, आपको सार पता चल जाएगा एकदम। तो ये एक प्रकार से हम इसको ट्रेलर कह सकते हैं, प्रिम्बल को संविधान का एक ट्रेलर, ठीक है, जैसे मूवीज में होता है। अब मैं इसको प्रिम्बल को और सही से समझाती हूँ, ये तो मैंने आपको जस्ट इसलिए एग्जाम्पल दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि है क्या प्रिम्बल, प्रिम्बल का मीनिंग क्या है। प्रिम्बल का मीनिंग एक प्रकार से यही है कि जो हमारा संविधान का पूरा एक दस्तावेज यानी एक जो किताब तैयार की गई है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बुक है, मान लीजिए संविधान की पूरी बुक लिखी गई है, ठीक है, ये संविधान की पूरी बुक है और इस बुक में जो है वो संविधान के जो पहला पेज है, मान लीजिए ये है देखो, ये भूमिका करके जो है ये पहला पेज जो है वो लिखा गया है, मान लो, ठीक है, प्रिम्बल, मान लो ऐसे प्रिम्बल, तो ये पहले पेज में आपको बुक की सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको इस बुक में जो है वो क्या क्या पढ़ाया जाएगा। वैसे ही संविधान का एक दस्तावेज पूरा तैयार किया है, उसमें शुरुआत में आपको प्रिम्बल नाम यानी प्रस्तावना से जो है आपको जानकारी मिलती है, जिसमें संविधान की एक समरी लिखी गई होती है, संविधान का एक परिचय दिया गया होता है कि संविधान में ये सब जो है हमारे संविधान में आगे शामिल, वो आप डिटेल में ऐसे ऐसे जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो ये है एक प्रकार से संविधान की इसको प्रस्तावना कह सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं तो हम इसको ऐसा कहेंगे लिखने में कि जो प्रस्तावना है वो एक प्रकार का दस्तावेज है, प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज है, ठीक है, दस्तावेज है जिसमें संविधान के सिद्धांत और उद्देश्यों की जानकारी मिलती है, ठीक है, उद्देश्यों की जानकारी मिलती है, यानी कोई भी प्रिम्बल को पढ़ेगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन आराम से समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ने पे भी उसको पता चल जाएगा कि जो है वो अच्छा हमारे संविधान में ये चीजें जो है वो शामिल हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का दस्तावेज ही होता है जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, वो एक दस्तावेज ही है ना, उसमें पहला जो पेज है जो मतलब शुरुआत के जो पेजेस है आर्टिकल वगैरह लिखने से पहले के जो पेजेस हैं, जब डिटेल में लिखा गया उससे पहले के जो पेजेस हैं वो सारे पेजेस में जो संविधान के बारे में एक समरी के रूप में लिखा गया है, ठीक है, एक उसका परिचय दिया गया है संविधान का कि ये संविधान में ये सब चीजें आगे आपको पढ़ने को मिलेंगी, ये संविधान में शामिल है, ठीक है। अब तो तुम्हें लग रहा है समझ ही आ गया होगा आपको संविधान है क्या एक्चुअली में, जैसे मैंने ये बुक से समझाया, ठीक है। तो संविधान को जो प्रिम्बल होता है ना उसको संविधान की जो है वो कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप कुछ चीजें याद रख लेना, इसको संविधान की कुंजी यानी की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कुंजी यानी की, और संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं सबको पता ही है की, ठीक है, संविधान की चाबी एक प्रकार से इसको कहते हैं, ठीक है। तो संविधान की कुंजी व किसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और बाकी एक और है इसको, एक और चीज नाम से पुकारा जाता है, संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा, और एक और बहुत फेमस चीज है जो हमेशा ही इसको जो है वो कहा जाता है, हाँ, दर्पण है, मिरर, ठीक है, दर्पण कहा जाता है इसको, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये प्रिम्बल को जो है ये तीन चीजों से डिनोट किया जाता है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं ये जो प्रिम्बल है, तभी तो इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान की सोल कहा जा रहा है उसे, कि मतलब जो कुछ भी है संविधान का वो आगे लिख दिया गया, आप उसको पढ़ के ही पता कर सकते हो। संविधान का दर्पण भी है, बहुत अच्छा है ये वाले जो पॉइंट है ना, संविधान का दर्पण, मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है आप ये दर्पण में पहले ही जो है वो देख सकते हो, और वो प्रस्तावना के रूप में, ठीक है।
तो एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, जैसे मूवी का ट्रेलर होता है कि आपको शॉर्ट में एक समरी दिखा दी जाती है, वैसे ही जो प्रिम्बल होता है वो संविधान के जो आर्टिकल वगैरह सबके एक्सप्लेनेशन से पहले पेज ऐड किए जाते हैं, दस्तावेज होता है जिसमें जो है वो संविधान का परिचय या उसका सार जो है वो समरी जो है लिख दी जाती है, ठीक है, जिसे व्यक्ति जो है आराम से संविधान को समझ सके, उसके उद्देश्य वगैरह उसको वहीं से समझ में आ जाएंगे। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ेगा तब भी उसको पता लग जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, वो प्रिम्बल पढ़ के वो पढ़ सकता है, समझ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रिम्बल का मीनिंग। मीनिंग हमें रट्टा नहीं मारना, हमें समझना है कि कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। ऐसे मुझे भी पहले ये प्रिम्बल याद नहीं रहता था, लेकिन अब इस तरह से कंसेप्ट इसके खुला है कि नॉर्मल सी चीज है, पहले मैं समझती रहती थी प्रिम्बल होता क्या है, मतलब ऐसे क्लियर नहीं होता था। तो अब हम लोग करेंगे कुछ इसकी ना डेफिनेशंस हैं जिनसे ये और ज्यादा अच्छे से जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। कुछ हमारे जो संविधान के निर्माता ही हैं, विद्वान हैं, उन लोगों ने प्रिम्बल की कुछ डेफिनेशन दिया, मतलब इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में जो है वो बताया है कि किस तरह से जो है वो इसका महत्व है। तो हमारे पास ये है दो डेफिनेशन, एक तो है ये के एम मुंशी की, दूसरी है एन ए पालकी वाला की, ठीक है। तो जो के एन मुंशी है वो कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार के डेफिनेशन है, और अगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो एग्जाम में अगर आप इस तरह की डेफिनेशन लिखो तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और नाम जो है वैसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है जो हिंदी मीडियम वाले हैं, बट हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में नाम लिखे तो अच्छी बात है, बट ऐसे हिंदी में लिखोगे नाम तो नंबर नंबर नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं, के एम मुंशी कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है, ठीक है। उसके बाद है एन ए पालकी वाला, ठीक है। एन ए पालकी वाला कहते हैं प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, मतलब उसका पहचान पत्र की संविधान की पहचान जो है वो प्रिम्बल से होती है, ठीक है। जो हमारा प्रस्तावना है हमारे संविधान की पहचान हो रही है, वो उसका पहचान पत्र है, जैसे हमारा पहचान पत्र बनता है उसमें नाम नूम सब कुछ जो है लिखा गया होता है, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर का नाम, तो उससे हमारी पहचान होती है हम क्या है। वैसे ये कहते हैं जो प्रिम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का पहचान पत्र है, जो प्रिम्बल में लिखा है, मतलब जैसे हमारे अगर हमारा पहचान पत्र होता है तो उसमें हमारे बारे में डिटेल लिखी होती है, वैसे ही संविधान के बारे में जो जानकारी है वो प्रिम्बल में लिखी है। तो इस प्रकार से प्रिम्बल जो है वो संविधान का पहचान पत्र है, वो ये जो है हमारे अन्य पालकी वाला ये इसको दर्शाते हैं, मतलब कहते हैं अपनी परिभाषा में। और ये वाली बात यूएसए, जैसा कि मैं बात कर रही कि जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना जो प्रिम्बल है वो सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में की थी। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे पुराना लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उन्होंने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिम्बल को ऐड किया था। उसके बाद अदर कंट्रीज ने जो है वो इस प्रिम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, देन इंडिया ने भी प्रिम्बल को जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, ठीक है। बट कुछ जो लोग हैं उसका क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जैसे प्रिम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही है ना, सबसे पहले जो आर्टिकल वगैरह उसके शुरुआत से पहले, मतलब प्रिम्बल से शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये इसको संविधान में किसी आर्टिकल के अंडर नहीं जो है वो लिखा गया है, तो इस तरह से ये प्रिम्बल जो है वो भारत जो संविधान है उसका अंग नहीं है। तो इस तरह से आलोचक भी जो है वो सामने से आते हैं, ठीक है। अभी हम इसके मीनिंग की बात करते हैं, आलोचना वगैरह में बाद में बात जो है वो करेंगे कि क्या इसकी आलोचना है, उसमें आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, डेफिनेशन हो गई और मीनिंग भी हो गई। बाकी मैं आपको जो है वो जो प्रिम्बल है उसकी शुरुआत में जो है वो क्या क्या लिखा गया होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा जो है यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा वो इन चीजों के जानोगे कि प्रिम्बल क्या है। तो उसमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो जिनका एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रिम्बल में दिया गया है, तो उन शब्दों के बारे में हम बात करेंगे। मैं अभी लिख देती हूँ उसके बारे में, वो लिखे ही थोड़ा सा जो है वो समझ में आएगा कि जो हमारी बुक वगैरह प्रिम्बल लिखा होता है उसके बारे में एक बार। तो ये वाली चीजें जो है, ये वाली लाइनों की मैं बात कर रही थी, इस तरह से और भी लाइनें जो पंक्तियां हैं वहां पर टेक्स्ट जो है लिखा गया होता है हमारी एनसीईआरटी की बुक्स पे, ठीक है, उसमें ये वाली लाइनें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको यहाँ लिखा, स्पेशली बताने से इतना नहीं दिमाग में आता। इसमें कुछ शब्द हैं जो मैं अंडरलाइन करूंगी, जिन्हें जो उसके मेन फीचर्स में भी आते हैं प्रिम्बल की जो विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये लाइन लिखी होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी, ठीक है, एक तो ये प्रभु सत्ता संपन्न, संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न, ठीक है, समाजवादी,
धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का पवित्र वचन करते हैं। ठीक है, दोबारा से रीड कर देती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का पवित्र वचन करते हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं उसमें जो हम कहा गया है ये यहाँ की जो जनता है भारत की उसके लिए कहा गया है, और इन पंक्तियों से ही जो है वो समझ में आता है। शुरुआत की पंक्तियां यही है प्रेमबल की, जिससे समझ में आ जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का वो संविधान के लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया है, ये उनपे थोपा नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से लिखते हैं कि हम भारत के लोग, मतलब हमने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है, हमने खुद अपने ऊपर जो है वो नियंत्रण लगाया, खुद नियम अपने ऊपर लगाए हैं, ये संविधान हमने खुद बनाया, खुद अपने पर लागू जो है वो किया है। तो यहीं से जो है स्पष्ट हो जाता है। और इसमें ये जो शब्द आते हैं ये फीचर्स हैं इसके, जैसे प्रभु सत्ता संपन्न, इसका मीनिंग क्या है, समाजवादी, इसका मीनिंग क्या है, धर्म निरपेक्ष, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका मीनिंग क्या है, ये सब विशेषताओं में आता है जिसके बारे में अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके अब बात करेंगे कि इसके मेन फीचर्स क्या है या इसके जो विशेषताएं हैं। ठीक है, विशेषताओं में यही चीजें लिखी है जिसमें ये जो जब सोर्स की बात की जाती है ना, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तब उसमें ये आता है। ठीक है, फीचर्स यानी विशेषताएं, तो हम अभी विशेषताओं में बात करने वाले हैं। तो इसमें चार जो बातें हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं, तो जो पहली है वो है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी इसे हिंदी में कहते हैं संवैधानिक शक्ति के स्रोत। ठीक है, संवैधानिक सोर्स ऑफ यानी स्रोत, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी संवैधानिक शक्ति। संवैधानिक शक्ति क्या होती है, जिसके पीछे कानून हो, लेकिन हर शक्ति जो होती है, हर पावर होती है, उसके पीछे कानूनी शक्ति हो ये जरूरी नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बोला है ना, इसलिए ऐसी पावर, ऐसी शक्ति जिसके पीछे कानून हो, जिसे लोगों ने एक्सेप्ट खुद किया हो। ठीक है, इस चीज को भी समझ लेना चाहिए। तो अब हम लोग पहला पॉइंट करने वाले हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी संवैधानिक शक्ति के स्रोत क्या है। तो हमारे भारत में जो शक्ति है वो किसके पास है, कहाँ से आती है शक्ति, किसके पास है, क्या गवर्नमेंट के पास है शक्ति, राष्ट्रपति के पास है, किसके पास मानी जाती है शक्ति इंडिया में। इंडिया में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसलिए यहाँ पर जो शक्ति के स्रोत माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, वो मानी जाती है जनता। ठीक है, लोग। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वही आता है कि प्रभु सत्ता और जो अंतिम शक्ति है, ठीक है, प्रभु सत्ता यानी सॉवरेंटी, प्रभु सत्ता और प्रभु सत्ता होती क्या है उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, और अंतिम शक्ति किसके पास है, जनता के पास है। ठीक है, इसमें ये बात जो है वो लिखी गई है हमारे प्रिंबल में कि प्रभु सत्ता और अंतिम शक्ति, ठीक है, वो जनता के पास है। ठीक है, प्रभु सत्ता का मतलब होता है एक प्रकार से, मैं सॉवरेन की बात करूं तो प्रभु सत्ता का मतलब होता है अपनी इच्छा के मालिक होना, अपने अकॉर्डिंग करना, आप पे कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, तो इसको मैं अगर एक कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, अपने देश के बारे में बात करूं, तो एक देश की सॉवरेनिटी का अर्थ क्या हुआ, एक देश की प्रभु सत्ता का अर्थ होता है कि जो देश है वो आंतरिक रूप से भी जो है वो शक्तिशाली है, यानी वो अपनी मर्जी चलाएगा आंतरिक रूप से भी, उस पर कोई बाहरी जो है चीज है नियंत्रण नहीं रख सकती है, मतलब आंतरिक रूप से एक देश के अंदर, से हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के अंदर जो राज्य कानून नियम बनाएगा वो हम सब मानेंगे ना, हमें सबको मानने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो राज्य है वही हम सबका कल्याण करेगा, वही कानून वगैरह बनाएगा, तो लोगों पर उसकी इच्छा जो है वो एक प्रकार से जो है वो लागू होती है। तो वैसे ही बाहरी रूप से भी जो हमारा देश है वो प्रभु सत्ता संपन्न है कि दूसरी कंट्री जो है, जैसा अमेरिका, चाइना, कोई भी है, वो हमारे ऊपर अपनी जो हुकूमत नहीं चला सकती है। हम किसी देश से अच्छे संबंध रखें, किसी देश से बुरे संबंध रखें, किसी के साथ संधि करें ना करें, कुछ भी करें, हमारी मर्जी है, कोई दूसरा देश हमें डिसाइड नहीं करेगा, वो हमें रोकेगा नहीं कि आप इसके साथ ये रिलेशन मत बनाओ, अच्छे मत बनाओ, या बुरे मत बनाओ, या संधि मत करो, संगठन मत बनाओ किसी देश के साथ में, वो दूसरा देश डिसाइड नहीं करेगा, हम खुद करेंगे, हमारी मर्जी है वो। ठीक है, हमारे देश की मर्जी है। तो इस प्रकार से जो हमारा देश है वो बाहरी रूप से भी प्रभु सत्ता संपन्न है।
ठीक है। तो सोर्स में पहला यही लिखा है कि जो प्रभु सत्ता होगी और जो अंतिम शक्ति होगी वो लोगों के पास होगी, ठीक है। और दूसरी जो बात इसमें ये लिखी है कि जो संविधान के रचयिता हैं, जिन्होंने संविधान बनाया है, वो संविधान के रचयिता भी जो है वो जनता के प्रतिनिधि होंगे, ठीक है। और वही है, जनता के प्रतिनिधि थे वो संविधान के रचयिता। तो संविधान के जो रचयिता है, जिन्होंने संविधान बनाया है, वो भी जो है वो जनता के प्रतिनिधि थे, ठीक है, जनता के ही प्रतिनिधि थे। तो इस वाले में पहली बात आ गई कि जो प्रभु सत्ता अंतिम शक्ति है वो लोगों के पास होगी, और जो संविधान के रचयिता थे वो भी जो थे जनता के ही प्रतिनिधि थे, ठीक है। और इसमें एक और जो लास्ट बात आती है वो आती है कि जो पावर है, जो हमारा जो संविधान है, जो संविधान का आधार है, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसे साफ कर देते हैं। तो इसमें जो है संविधान का तीन बातें लिखी गई, ठीक है, लास्ट बात है संविधान का आधार। तो संविधान का जो आधार है वो भी जनता को ही माना गया है, ठीक है। संविधान का आधार वो भी जनता ही है, लोग ही है, ठीक है। तो तीन बातें जो है इसमें आती हैं कि जो संवैधानिक शक्ति है वो किसके पास है। तो ये हमारे प्रिंबल में लिखा गया है कि जो संवैधानिक पावर है वो लोगों के पास है, क्योंकि हर पॉइंट में कह रहे हैं, पहले में कह रहे हैं कि प्रभु सत्ता और अंतिम शक्ति लोगों के पास है, जिन्होंने संविधान बनाया वो भी जनता के ही प्रतिनिधि थे, और संविधान का आधार भी जनता की इच्छा है, जनता है यानी जनता की इच्छा, ठीक है, लोगों की इच्छा ही इसका आधार है संविधान का। तो जो यहाँ हमारे प्रिंबल में साफ कर दिया गया है, साफ तौर पे लिख दिया गया है कि जो पावर है संविधान की, जो भी संवैधानिक शक्ति है, वो लोगों के पास ही है। इसलिए इस वाले पहले पॉइंट में यही लिखा गया है कि अगर संवैधानिक शक्ति लोगों के पास है, यानी जो संविधान बनाया है वो भारत के लोगों ने ही बनाया है, भारत के लोगों ने खुद बनाया है, खुद अपने ऊपर संविधान लागू किया है, किसी ने भी ये संविधान उनके ऊपर जबरदस्ती लागू नहीं किया। 1947 से पहले जो भी कानून वगैरह बनते थे वो ब्रिटिश सरकार बनाती थी, और हमारे ऊपर जो है वो भारतीय लोगों के ऊपर जबरदस्ती वो कानून जो थे वो लागू किए जाते, थोपे जाते थे, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन हम पे थोपा नहीं गया है, भारत के लोगों ने खुद बनाया है, खुद अपने ऊपर जो है इसे लागू किया है। बट फिर भी कुछ आलोचक कहते हैं कि नहीं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के लोगों ने खुद अपनी मर्जी से अपने ऊपर नहीं लागू किया है, ये ना उन्होंने बनाया, ऐसा कहते हैं कुछ आलोचक, क्योंकि लागू क्यों नहीं किया, क्योंकि कहते हैं इसमें जो है वो एक प्रकार से जनमत संग्रह नहीं करवाया गया था, जब संविधान बना था तब जनमत संग्रह नहीं करवाया गया था, ठीक है, एक ये वाली बात आती है। दूसरी आती है वयस्क मताधिकार की बात आती है, कहते हैं कि जब संविधान सभा के सदस्य चुने जा रहे थे तो वो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है वो नहीं चुने गए थे, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने अपने ऊपर लागू नहीं किया है, लोगों का संविधान नहीं है ये। तो अभी इस चीज को ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है, जो इसको माना जाता है कि जिन परिस्थितियों में संविधान बनाया जा रहा था उस समय परिस्थितियां बिल्कुल सही नहीं थी, हमारा अंग्रेजों के साथ में आंदोलन वगैरह चल रहे हैं उस टाइम में, और हिंदू मुस्लिम के आपस में झगड़े चल रहे हैं उस टाइम, पाकिस्तान अलग मांग कर रहा है जाने के लिए, तो ऐसी परिस्थितियों में संविधान बनाया गया था, ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में जनमत संग्रह करवाना पॉसिबल ही नहीं था, जहां पूरी तरह से उस टाइम जो है वो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उन परिस्थितियों में जनमत संग्रह करवाना नहीं करवाया नहीं जा सकता था ना, वयस्क मताधिकार पे आधार पर जो है आप उनको चुनते संविधान सभा के सदस्यों को, ये उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता। बट बाद में 1952 में जो संविधान सभा के सदस्य थे उन सबको जो है वो बाद में एक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना तो गया था, ये वाली बात है। और दूसरा है कि लोगों का ही संविधान है, अगर जनमत संग्रह नहीं करवाया गया, ठीक है, मानते हैं नहीं करवाया उन परिस्थितियों में, बट लोगों ने क्या इस चीज का विरोध किया, क्या कभी लोगों ने इस चीज की मांग उठाई कि जनमत संग्रह होना चाहिए, क्या लोगों ने संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया, क्या लोगों ने संविधान की बुराई की, उन्होंने बोला संविधान गलत है होना नहीं चाहिए, लोगों ने ऐसा किया ही नहीं, इसका मतलब लोगों को भी संविधान एक्सेप्टेड है ना, उन्होंने भी स्वीकार किया है खुद संविधान को, तो इसलिए लोगों का संविधान है, लोगों ने खुद, हमारे भारत के लोगों ने खुद अपने ऊपर इस चीज को स्वीकार किया है, ठीक है। तो जो आलोचकों की बात है उसको भी गलत साबित जो है वो यहाँ कर दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो उसका फीचर है वो आता है नेचर ऑफ द स्टेट,
यानी जो एक राज्य है हमारा देश का, जो देश है हमारा, उसके नेचर के बारे में बताया गया। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जिनको मैंने अंडरलाइन किया था जब मैंने वो लिखवाया था प्रीम्बल की कुछ लाइंस। नेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है, राज्य की स्वरूप या प्रकृति कुछ कह लो, ठीक है, ये हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो नेचर में सबसे पहले हमारे पास आता है इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, पहला पॉइंट, इंडिया इज अ, एक मिनट में सॉवरेन की स्पेलिंग चेक करती हूँ। यहाँ पर ई और आएगा, सॉवरेन स्टेट यानी प्रभु सत्ता संपन्न, जो है मैंने पहले लिखवाया ना संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न, वो वाली पॉइंट आ रही है ये वाला, कि भारत जो है वो एक सॉवरेन स्टेट है यानी प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है भारत, ठीक है। तो ये वाली बात जो है वो कैसे लागू होती है कि जो भारत है वो प्रभु सत्ता संपन्न है, जैसे मैंने अभी बोला था कि वो सॉवरेन है, आंतरिक मामलों में भी है, ठीक है, और जो बाहरी मामले है उनमें भी भारत जो है वो प्रभु सत्ता संपन्न है, ठीक है। आंतरिक मामलों में कि अगर हमारे देश है, हमारा राज्य है, यहाँ राज्य जो नियम कानून सब कुछ बनाता है वो सब लोग जो है वो फॉलो करते हैं, सारे नियम रेगुलेशन जो है वो लोग मानते हैं, ठीक है, थीके? और जो नहीं मानता है, ठीक है, तो उनको दंड दिया जाता है। और कानून ये थोड़ी है कि जो गवर्नमेंट है जो भी है गलत कानून लोगों से मनवा रहे हैं, सही कानून बना ही रहे हैं ना, सही कानून बनाकर जो है वो राज्य में लागू किए जा रहे हैं, राज्य सही कानून ही पेश कर रहा है, तो तभी जो है वो आंतरिक रूप से भी प्रभु सत्ता संपन्न और बाहरी रूप से भी है कि दूसरी कंट्रीज, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, दूसरी कंट्रीज हमारे देश पे अपनी नियंत्रण नहीं रख सकती है, हमारी इच्छा को नहीं रोक सकती है, हमारे देश की इच्छा है वो किसी देश के साथ कैसा व्यवहार करे, किसके साथ कैसे रिलेशन बनाए, संधि कर रहा है, संगठन कर रहा है, ठीक है, वो हमारी इच्छा है, किसी संगठन में भी इवन शामिल हो रहा है वो भी कोई दूसरा देश हम पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, हमारी मर्जी हम किसी संगठन में शामिल होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो हमारी मर्जी हम वापस भी आ सकते हैं। तो इस तरह की शर्तें हैं जो हर कंट्री रखती है, तो वो उसकी प्रभु सत्ता संपन्न जो है वो होते, एक सॉवरेन स्टेट होता है, इसलिए जो है सारी चीजें उसमें शामिल जो है वो किए जाती हैं, ठीक है। तो इसमें एक और जो है इसमें क्रिटिसिज्म भी आता है, वो इसमें क्रिटिसिज्म आता है कि आपने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में सुना होगा, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रमंडल आई थिंक उनको कहते हैं हिंदी में, राष्ट्रमंडल ही कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस राष्ट्रमंडल। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भारत प्रभु सत्ता संपन्न नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रमंडल का हिस्सा है, ठीक है, बट राष्ट्रमंडल का हिस्सा है, चलो ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा बना था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का, बट वो उसको ये थोड़ी है कि वो उस पे अपना नियंत्रण जमाता है राष्ट्रमंडल, वो उसको छोड़ भी तो सकता है ना, इंडिया जब मर्जी अपनी सदस्यता वापस ले ले, छोड़ दे उसको, बाकी राष्ट्रमंडल कोई इस तरह से कोई तानाशाह देशों का संघ नहीं है, वो स्वतंत्र देशों का संघ जो है, एक संघ है, ठीक है, ये वाली बात है। दूसरी बात है कि भारत उसको कभी भी छोड़ सकता है, तो ये इस प्रकार से उसकी प्रभु सत्ता जो है वो बनी रहती है क्योंकि उस पर किसी तरह का उस राष्ट्रमंडल का नियंत्रण नहीं है भारत पे, वो जब मर्जी उसकी सदस्यता को जो है वो छोड़ सकता है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट के अंदर जो है वो हमारा ये पहला पॉइंट आया कि भारत जो है वो एक सॉवरेन कंट्री है, ठीक है। और दूसरा मैंने एक और लिखवाया था फिर समाजवादी, सोशलिस्ट, इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, सेकंड पॉइंट, इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट कह लो, ठीक है, भारत एक समाजवादी राज्य है, समाजवादी राज्य है। पहली बार तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें ये समाजवादी शब्द जो था, सोशलिस्ट शब्द जो था वो ऐड नहीं किया गया था, ये ऐड किया गया था 1976 में, 42 में संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, तब जाके ये समाजवादी शब्द जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, ठीक है। तो समाजवादी का अर्थ क्या होता है, समाजवादी स्टेट का मतलब है
कि भारत में जो भी कानून है, नियम रेगुलेशंस हैं, या जो हमारा जो राज्य है वो जो भी कल्याणकारी सारी चीजें कर रहा है वो सारे नागरिकों के लिए समान रूप से करेगा, किसी एक के लिए भलाई के लिए काम नहीं करेगा। कानून के सामने सभी लोग जो है वो समान होंगे, बेरोजगारी भूखमरी सब चीजों को खत्म करने की कोशिश करेगा। मतलब जो एक राज्य है वो एक पूरे राज्य को जो है वो समाज के रूप में देखेगा, हर एक व्यक्ति के पक्ष में काम नहीं करेगा। वो समाज के रूप में देखने का मतलब है कि सभी के लिए समान रूप से कल्याण के काम जो है वो करेगा, चाहे नौकरी देनी हो, कुछ भी करनी हो, नौकरी के अवसर देने हो, ठीक है। तो इस तरह से छुआछूत अपराधी सब मिटाना, सबके लिए समान रूप से लागू होगा वो चीजें, ठीक है। कल्याण की कोई भी योजना शुरू करनी है सब लोगों के लिए होगी वो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है इंडिया को जो है एक सोशलिस्ट स्टेट है, इसको भी ऐड किया गया था। देन उसके बाद हमारे पास आता है इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। ये तो बहुत ही मतलब जरूरी पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, ठीक है। सेकुलर यानी धर्म निरपेक्ष, ये भी मैंने लिखवाया था। धर्मनिरपेक्ष, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। पहली बार ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था, जो सेकुलर शब्द था, ये भी 1976 में ही ऐड किया गया था, लेकिन ये 44 में अमेंडमेंट संशोधन किया गया था, ठीक है, तब ये इसको ऐड जो है वो किया गया था इस शब्द को। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष जो है वो राज्य है, ये बात है जो 1976 में हमारे संविधान में शामिल की गई थी, ठीक है। तो भारत में देखो कितने सारे धर्म है, बहुत सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बौद्ध, जैन, सब तरह के धर्म जो है वो हमारे भारत में है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब वही है कि जो हमारा राज्य है उसका कोई भी एक धर्म नहीं होगा, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये वाली बात है। धर्म निरपेक्ष है मतलब कोई धर्म नहीं है उसका, राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि कोई धर्म नहीं है, यानी जो बाकी सारे जो हमारे धर्म है वो सभी एक रूप से समान है, मतलब किसी भी धर्म को जो है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट किसी धर्म के कल्याण की बात करे तो सभी धर्मों के कल्याण की बात करेगी, पहले तो गवर्नमेंट धर्म के कल्याण की बात नहीं करती, क्योंकि वो राज्य का जो धर्म है वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी धर्मों को जो है राज्य समान मानता है, समान रूप से उनको सम्मान देता है, उनके कल्याण की बात करेगा तो समान रूप से सभी धर्मों के कल्याण की बात जो है वो करेगा। जैसे आपने मैंने बताया था जो हमारे धार्मिक अधिकार है वो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जो है वो लिखे गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों 25 से 28 के बीच में हमारे धर्म के बारे में जो है वो मौलिक अधिकार जो है दिए गए, जिसमें लिखा गया है कि हर धर्म जो है वो समान है, धर्म के आधार पर मतलब कि किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, बट किसी दूसरे धर्म की किस तरह का नुकसान न पहुंचाए, ठीक है। कोई भी धार्मिक संस्था खोल सकता है, धार्मिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो भी जो है वो खोल सकता है, ठीक है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, बढ़ा सकता है, अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी धर्म जो है वो अपना चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इस तरह से भारत जो है एक प्रकार से धर्म निरपेक्ष देश जो है वो बना है, और धर्म निरपेक्ष होना भी जरूरी है भारत का, क्योंकि इतने सारे यहाँ धर्म हैं, सभी धर्मों को एक समान मान के चलेंगे तभी हमारा जो देश है वो सही से प्रगति कर पाएगा, सबसे चल पाएगा। क्योंकि धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाएगा तो भारत में जो है वो दंगे होंगे जैसे कि पहले हुए थे, तो उस चीज से भारत का जो विकास है वो रुक जाएगा, उसकी वृद्धि नहीं सही से हो पाएगी। और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना सही बात भी नहीं है, ईश्वर सबका एक है, चाहे लोग अलग अलग रूप में ईश्वर को मानते हैं वो उनकी अपनी इच्छा है, किसी भी रूप में उनको लगता है कि हाँ इस रूप में भगवान हमसे जुड़े हुए हैं, तो रूपों के आधार पर ही आप भेदभाव कर दो, ठीक है, तो वो भी सही नहीं है। इस तरह का समाज ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएगा जहाँ धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव किया जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड। देन फोर्थ पॉइंट मैंने और लिखवाया था, धर्मनिरपेक्ष के बाद डेमोक्रेटिक स्टेट लिखवाया था। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक राज्य है, ये तो सबको ही पता है, हम खुद यहाँ भारत में रह रहे हैं, हमें पता है कि स्वतंत्र एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत। हम
खुद अपने आसपास के एनवायरमेंट से सारी चीजें जान सकते हैं अगर आप थोड़े से अवेयर रहे तो। लोकतांत्रिक की तो है हमारा देश, हम बेसिक मताधिकार के आधार पर यहाँ पर वोट देते हैं। 18 से ऊपर की जिनकी एज होती है वो सारे जो है वो यहाँ पर मत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ जो है वो अगर गवर्नमेंट की आलोचना करने का भी हम लोगों को अधिकार है। गवर्नमेंट नहीं काम करती है तो अगली बार जो है गवर्नमेंट को बदला भी जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो यहाँ जनता को महत्व जो है वो दिया जाता है। लोकतांत्रिक का मतलब ही होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है, मतलब जनता के लिए किया गया है, जनता के द्वारा ही ये चीज जो है वो की गई है और जनता की ही है, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है इसमें बोली जाती है। तो हमारा भारत डेमोक्रेटिक, हमें यहाँ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमें इतनी सारी फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम हमें जो है यहाँ दी गई है, बोलने की हो, जॉब करने की हो, घूमने फिरने की हो, सब तरह की। तो ये इस तरह की जो है ये चीजें जो है वो एक लोकतांत्रिक देश में ही होती है, ठीक है। और गवर्नमेंट का भी है कि अगर गवर्नमेंट नहीं काम करती है तो आप अगली बार जो है वो गवर्नमेंट को बदल सकते हो। तो इस प्रकार से जो हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब भी ऐसा ही होता है, रिपब्लिक जो आता है, मैंने बोला ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब ही होता है जहां पर जो पावर है, रिपब्लिक मतलब जहां जो शक्ति है वो जनता के हाथ में हो या जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में हो जो पावर, तब उस कंट्री को रिपब्लिक कहा जाता है। तो हमारा इंडिया भी गणराज्य ही है, रिपब्लिक यानी गणराज्य। यहाँ पर भी जो पावर है वो लोगों के हाथ में है और लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनके हाथ में पावर है, इसलिए जो इंडिया है वो एक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये हो गया सेकेंड पॉइंट की नेचर ऑफ द स्टेट फीचर्स में। देन थर्ड पॉइंट हमारे पास जो आता है इसमें, एक्चुअली में जो है वो थर्ड पॉइंट थोड़ा लॉन्ग है, फोर्थ पॉइंट में कुछ ज्यादा नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड पॉइंट है। संविधान के उद्देश्य क्या है वो इस वाले पॉइंट में मिलता है देखने को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब इस वाले पॉइंट में लिखा होगा पूरा कि संविधान का जो है वो उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य के बारे में जो है वो सारी जानकारी यहाँ दी गई होती है, ठीक है। तो इसके उद्देश्य के बारे में अगर आप बात करोगे तो संविधान का उद्देश्य हम लोगों को भी पता है। जैसे पहली इसमें ये बात लिखते हैं कि जस्टिस, ठीक है, न्याय, ये जो है इसका पहला उद्देश्य है, न्याय यानी जस्टिस करना। यानी हमारे संविधान में जो है इसका पहला उद्देश्य है संविधान का कि सभी लोगों के साथ जो है वो न्याय हो, किसी तरह की धर्म जाति आदि के आधार पर भेदभाव छुआछात ना हो। क्योंकि हमारे भारत में भेदभाव, लिंग भेदभाव, छुआछात, अस्पृश्यता, जाति प्रथा, इस नाम पर जो है वो बहुत ज्यादा ही हम कह सकते हैं कि लोगों के साथ जो है वो भेदभाव जो है वो हुआ है, ठीक है। तो उनको इसी तरह इसी तो जस्टिस को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि न्याय होना चाहिए। जो पहले हुआ, जो ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ किया कि उनको जो है वो इस तरह से नहीं किसी तरह का कोई अधिकार दिया, समाज में सही से उनको मान सम्मान नहीं दिया गया, अपमान किया गया, पानी नहीं भरने दिया जाता उनको, कुएं से मंदिरों पर जाने की मनाही थी, स्त्रियों के साथ इतना भेदभाव किया गया, ठीक है, उच्च जाति और निम्न जाति के साथ जो भेदभाव किया, वो सब जो है वो अब ना हो, ठीक है। एक ऐसा समाज स्थापित करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया, जहाँ सब बराबर हो, ठीक है। तो इसलिए तो जो एससी एसटी वगैरह है उनको ऊपर लाने के लिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन रखी है कि उनको भी समाज में ऊपर जो है उनके जो जनरल में आते हैं उनके बराबर जो है वो लाया जाए, उनको उनका भी विकास हो। क्योंकि पहले से उनका इतना ज्यादा भेदभाव, अस्पृश्यता, छुआछात की गई है कि उनका विकास नहीं सही से हो पाया, पढ़े लिखे भी नहीं होते, खाने पीने के ही उनके जो है वो मुश्किलें हो रही होती है। इसलिए जस्टिस को जो है वो सबसे ज्यादा महत्व दिया गया कि अभी ऐसा समाज स्थापित करना है जहाँ जो है वो न्याय होना चाहिए। जैसे न्याय कई तरह का होता है, जैसे सोशल जस्टिस का मतलब है कि जहाँ समाज में किसी भी तरह का जो है वो भेदभाव, छुआछात, अस्पृश्यता जो कि पहले पाई जाती थी समाज में, वो नहीं होनी चाहिए, जिससे जो शूद्रा थे, निम्न जाति के लोग थे, उनका विकास नहीं हो पाया, ठीक है। तो उस तरह का समाज में जो पहले की चीजें रही हैं कि वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा के आधार पर भेदभाव, ये सब चीजें जो है वो अब समाज में जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो है वो इस तरह से जो संविधान की जो असमानताएं हैं जो समाज में फैली हुई है उनको दूर करने के लिए
आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो है वो सारी बातें एक्सप्लेन की गई हैं कि लोगों के साथ अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए लोगों के साथ में। इसलिए इन आर्टिकल्स में डिटेल में जो है वो सारे न्याय के बारे में, सोशल न्याय के बारे में बातें जो है लिखी गई है कि असमानताओं को कैसे भी खत्म किया जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में लिखा गया है। देन उसके बाद हमारे पास आता है आर्थिक, ये सोशल जस्टिस की बात होगी। देन आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का अर्थ हुआ कि सभी को जो है रोजगार करने के समान अवसर जो है वो मिलने चाहिए, ठीक है, जॉब वगैरह करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, योग्यता के आधार पर जो है लोगों को जॉब देनी चाहिए, ठीक है। और ये नहीं है कि जॉब में जो है सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को या पैसे के आधार पर आप लोगों को जॉब दे रहे हो, लोगों की योग्यता के आधार पर उनको जॉब दो, चाहे वो किसी भी जाति से, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी जो है वो योग्यता देखो, कितनी एबिलिटी है, कितना वो काम कर सकता है, कितनी उसके अंदर इंटेलिजेंसी है, वो उसके आधार पर आप लोगों को जॉब दो। इसलिए जो जॉब के अवसर हैं वो समान अवसर जो है लोगों को मिलने चाहिए और लोगों को काम की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनको जो मजदूरियां मजदूरों को मिलती हैं उसके साथ न्याय होना चाहिए कि टाइम काम के डिसाइड कर दिए जाने चाहिए, ताकि वहां से उनके साथ अन्याय ना हो, स्त्रियों के साथ अन्याय ना हो, उनका शोषण ना हो काम करने की जगहों पर, उनको भी उनके काम के सही मजदूरी जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की जो है वो इकोनॉमिक जस्टिस में बातें आती हैं। अगर आप जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, उसमें आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, इन तीन आर्टिकल में जो है पूरा इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में लिखा गया है। अब ये प्रिम्बल है तो यहाँ सिर्फ बातें आपको बताई गई होंगी, डिटेल में नहीं मिलेंगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आगे डिटेल में जो है चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात आती है। देन उसके बाद है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय क्या होगा? राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि सबको जो है वो अपना जो है वो विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, मत देने की यानी वोट देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चुनाव लड़ने की उनके साथ स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उनके बाद चुनाव लड़ने नहीं दो निम्न जाति के लोगों को, ठीक है, तो और कोई भी दल बनाना है वहां उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, अब गवर्नमेंट की आलोचना करना चाहते हैं तो वहां उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो राजनीतिक रूप से जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, वहां उनके साथ जो है वो जस्टिस होना चाहिए, वो अपने अधिकारों की मांग कर सके, ठीक है, गवर्नमेंट से अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर उसकी आलोचना कर सके, ठीक है, मतलब कि वोट भी दे सके हर कोई लोग, चाहे स्त्रियां हैं वो भी वोट दे सके। तो यहाँ जस्टिस की बात की गई है कि जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी लोग जो है वो ज्यादा अपने देश के बारे में बातें सही से जान पाएंगे जब उनके पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो सही से मिलेगा, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है ये, तो अभी हमारे पास आई जस्टिस की। देन सेकंड पॉइंट आता है जो हमारे संविधान का उद्देश्य है, एक तो न्याय करना हमारे संविधान में उद्देश्य के रूप में लिखा गया है, आगे है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, क्योंकि भारत तो खुद गुलामी की जो उससे सह चुका है, गुलामी सह चुका है इतने समय तक, तो इसलिए हमारे संविधान में पूरा लिखा गया कि जो गुलामी हमने इतने सालों से अंग्रेजों की सही, वो जो है वो आगे अब हमारे हाथों में जब शासन हो चुका है तो अब जो है हमें किसी भी तरह की गुलामी किसी भी व्यक्ति को नहीं जो है वो सहनी पड़े, इसके लिए उसका पूरा प्रबंध जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, सब कुछ जो है स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया कि स्वतंत्रता को भारत में ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि हमने स्वतंत्रता बहुत मुश्किल से, हमारे जो इस प्रकार से राष्ट्रीय राजनेता रहे उन्होंने बहुत मुश्किल से स्वतंत्रता प्राप्त की है, तो उस चीज को आगे बनाए रखना चाहते थे जिन्होंने संविधान बनाया, कि किसी को अब किसी तरह की गुलामी ना करनी पड़े जो इतने सालों से अंग्रेजों की हम लोगों ने की, ठीक है, उस चीज से अब भारतवासियों को नहीं गुजरना चाहिए, इसलिए स्वतंत्रता पे बहुत फोकस किया गया। देखिए स्वतंत्रता में जैसे सोचने की स्वतंत्रता, ठीक है, थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, ठीक है, सोचने की स्वतंत्रता, यानी आप जो है वो किसी भी तरह से कुछ भी सोच सको, आपकी सोच पे जो है किस तरह का कोई नियंत्रण जो है वो नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, जैसे ये उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आती है, ये आर्टिकल जो है वो 19 में आता है, सोचने की मतलब आप किसी भी तरह की किसी भी चीज के बारे में सोच सको, ठीक है। देन उसके बाद ये थॉट के बाद आती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये 19A में आती है, ठीक है।
एक्सप्रेशन लिख देती हूँ मैं सीधा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभी आत्म अभिवृत्ति कुछ कहते हैं आई थिंक, ठीक है इसको अभिवृत्ति एक्सप्रेशन, ठीक है अभिवृत्ति की स्वतंत्रता कि आप जो है वो आप अपने आप को जो है वो प्रकट कर सके, अपने विचारों को सामने रख सके, ठीक है जो आपके विचार हैं, चाहे फिर किसी भी तरह के जो है वो आपके विचार हो सकते हैं, ठीक है आप किसी भी जरिए अपने विचार जो है वो रख सकते हैं, जैसे टीवी के आजकल सोशल मीडिया, उस अकॉर्डिंग अपने विचार जो है वो लोगों के सामने जो है वो रख सकते हैं, इसकी आपको पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। और अगर आपको गवर्नमेंट के कोई काम नहीं अच्छा लगता है, आप उसके संबंधित भी अपने विचार सामने रख सकते हो, आप उस पर आपको सजा नहीं होगी कि आपने जो है वो गवर्नमेंट की आलोचना क्यों की, ठीक है। तो आपके सारे जो विचार है उसका आपके एक्सप्रेशन जो है आपको व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। देन उसके बाद इस तरह की बहुत सारी लिबर्टी है, काम करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता है, इस तरह की बहुत सारी स्वतंत्रता है, जैसे फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ वर्शिप यानी पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता। हम लोग अलग अलग धर्मों के रह रहे हैं यहाँ भारत में, सब अपने अपने धर्मों की जैसे मर्जी पूजा पाठ करते हैं, क्या किसी ने कभी किसी को रोका है पूजा पाठ करने से? नहीं ना, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई मठ में जा रहा है, ठीक है, कोई गिरजाघर जा रहा है, सब अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पर किसी को रोक टोक नहीं है। इसे ही है कि हमें पूजा पाठ करने की पूरी स्वतंत्रता जो है वो दी है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 से जो है वो 28 के बीच में, कि आप कोई भी धर्म वगैरह अपना सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी जो है वो आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह की स्वतंत्रताएं जो है वो हम लोगों को यहाँ पर दी गई है। देन उसके बाद इक्वालिटी, इक्वालिटी आपको पता है कि कानून के सामने सभी समान हो, ठीक है, जॉब करने के लोगों को जो है समान इक्वालिटी जो है वो दी जानी चाहिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, जैसे जॉब करने की अपॉर्चुनिटी हो जिसमें जो है वो किसी के साथ जो है वो भेदभाव नहीं किया जाए, समान अवसर जो है वो लोगों को जो है वो प्रोवाइड जो है वो किए जाए, ठीक है। जैसे आर्टिकल 16 में कहा गया है लोगों के, जैसे आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोगों को काम करने की जो है वो स्वतंत्रता होनी चाहिए और समान अवसर जो है उनको मिलने चाहिए, ठीक है, उनके साथ में किसी भी जो है उनकी योग्यता के आधार पर उनको जो है वो जॉब मिलनी चाहिए, ना कि धर्म जाति के आधार पर उन लोगों को आप जॉब दे रहे हो, ठीक है, योग्यता के आधार पर आप लोगों को जो है वो जॉब दो। और अगर आप जो है किसी भी सरकारी पद को प्राप्त करने जा रहे हो तो आई थिंक आर्टिकल 29 के सेकंड पार्ट में लिखा गया है कि अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने जा रहे हो तो आपके साथ वह धर्म जाति आदि के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। आप किसी भी सरकारी संस्था में प्रवेश ले सकते हो, कोई भी सरकारी जॉब ले सकते हो, आपके साथ किसी तरह का जो है वो धर्म जाति आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाकी और भी है समानता में भी, आप कानून के सामने समान हो, ठीक है, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस तरह की बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं। जैसे आर्टिकल 14 में है कि आप कानून के सामने जो है वो सभी लोग जो है वो कानून के सामने समान है। आर्टिकल 15 में है कि लोगों के साथ किस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 17 में है लोगों के साथ जो अस्पृश्यता है, छुआछूत, इस तरह की चीजें हैं जो है वो लोगों के साथ नहीं की जाएंगी, ठीक है। और आर्टिकल 16 का तो मैं आपको भी बताई चुकी थी कि जॉब जो है वो लोगों के समान अवसर मिलने चाहिए, जॉब योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, ना कि धर्म जाति आदि के आधार पर जो है लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से जो है वो ये इक्वालिटी की बात होती है, समानता की बात होती है लोगों की, कि सभी लोग जो है वो समान है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है जो अगला पॉइंट आता है, ये तो हमारा इसके ऑब्जेक्टिव के अंदर ही हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है, फ्रेटर्निटी। एक मिनट, मैं इसकी स्पेलिंग चेक कर लेती हूँ। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है कि जो अंग्रेजों ने किया था, फूट डाली थी, फूट डालो राज करो, वो चीजें जो है वो अब आगे भारत में ना हो, सभी में भाईचारे की भावना पैदा की जाए, इस तरह के उद्देश्य जो है उसमें लिखे गए हैं कि सब में एकता की भावना होनी चाहिए, तब आएगी जब सभी धर्मों जातियों को एक माना जाएगा, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तभी जो है वो भाईचारा जो है वो भारत में आएगा। तो इसलिए जो है वो पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया कि सभी लोग समान हैं,
कोई भेदभाव अस्पृश्यता छुआछूत जो है वो नहीं की जाएगी किसी के साथ, ताकि भाईचारा बने, भारत में फूट डालो वाली बात ना आए जो अंग्रेजों ने पहले किया, और भारत के फिर से दो टुकड़े ना हो। इसलिए जो है वो भाईचारे को ज्यादा बढ़ाने की बातें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की जाती है, ये उसका एक उद्देश्य जो है वो माना जाता है। ठीक है, देन उसके बाद है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, वो भी इसी का हिस्सा आ जाता है कि भारत में जो है वो लोगों को उनकी जो हर जो व्यक्ति है उसको अपनी डिग्निटी होती है, जो डिग्निटी को कहते हैं आई थिंक सो, उसका गौरव कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना जो है गौरव बना के रखना चाहिए, हर व्यक्ति की गौरव को जो है वो यहाँ बना के भी रखा जाता है। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव छुआछूत अस्पृश्यता जब नहीं की जाएगी तो हर व्यक्ति की डिग्निटी बनी रहेगी, हर व्यक्ति का गौरव जो है वो बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद डिग्निटी के बाद यहाँ पर जो है वो यूनिटी की बात भी होती है, वही वाली बात है कि धर्मों जातियों के आधार पर जो है लोगों में एकता होनी चाहिए, कोई भेदभाव कोई कटुता जो है लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी उद्देश्य माना जाता है कि एकता जो है यहाँ पर फैलाई जाए। ठीक है, देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का ये तो हो गया, जो प्रिंबल है उसका ये थर्ड वो था, फोर्थ बात हम करेंगे, इसका फोर्थ फीचर क्या है, फोर्थ फीचर के बारे में कुछ खास नहीं है, फोर्थ फीचर वो है जिस दिन संविधान अपनाया गया तो उसके बारे में बताया गया है। इसको आई थिंक एक मिनट कुछ एक खास हेडिंग देखिए जो है वो उसके लिखा गया है, अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो जिस दिन संविधान अपनाया गया उसके बारे में बताया गया है आगे पूरी डिटेल प्रिंबल में कि कौन से दिन संविधान बना कैसे अपनाया गया है। तो जैसे कि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बन के तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को फिर आपको बताइए कि हमारा जो संविधान था वो लागू हो गया, ऐसे पूरे डिटेल में जो है इस वाले पॉइंट में जो है वो प्रिंबल में बताया गया है कि इस तरह से जो है वो आगे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है लिखा ही होगा कैसे संविधान बना, तो ये फोर्थ पॉइंट इसका फीचर आता है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे हमारे प्रिंबल की कुछ आलोचनाएं, कुछ क्रिटिसिज्म, क्या इसमें कमियां रह गई है, ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी बात करेंगे, क्या इसका महत्व है, क्यों प्रिंबल को जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या जरूरत थी, ये सब जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको सोशियोलॉजी की वीडियोस भी देखें तो वो आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।